टू ऑल इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। यहाँ हम देखेंगे इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन के कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं हमारे लिए और कौन से वो सन में पब्लिश हुए हैं, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क्स होते हैं सभी ऑथर्स के सन पूछे जाते हैं ज़्यादातर सभी के, पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो दो तीन तरीके से बन जाता है। सीधा सा पूछ लेते हैं एक तो कि कौन सा सन है, दूसरा तरीका मैचिंग में दे दिया जाता है, तो ज़्यादातर इसी तरह से हमसे पूछा जाता है, या फिर घुमा फिरा कर क्वेश्चन में ही सन दे दिया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है कि वर्क कौन सा है, कि इस सन में पब्लिश वर्क कौन सा है। तो कई तरीके होते हैं पूछने के, पर आपको सीधा सा पता है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी का सन क्या है, तो फिर क्वेश्चन कैसे भी इस पर बन जाए आप इजीली दे सकते हैं सन से रिलेटेड, इसके ईयर से रिलेटेड। अब जॉन मिल्टन की बात करेंगे, टीजीटी के लिए स्पेशल है ये यहाँ पर। बाकी बुक की बात करेंगे, किस बुक से कैसे बुक से, ये भी क्वेश्चन आता रहता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जॉन मिल्टन का ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी 1629 को ये इसका ईयर है पब्लिशिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1630 को जो पब्लिश हुआ था इनका वर्क ऑन शेक्सपियर था। फिर नेक्स्ट हमारा आता 1631-1634 तक एल एलिग्रो एंड सेकंड पेंसेरोसो जो है इनका वर्क जो है पब्लिश हुआ। 1634 मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमर्स ए मास्क प्रेजेंटेड एट लेडलो कासल, बहुत इम्पोर्टेंट। 1637 लिसिडास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्ट कॉमर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिसिडास है, लिसिडास तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सही से, कम्प्लीटली सही से क्वेश्चन इसके सारे पढ़ने होंगे। 1641 का जो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पर होता है ऑफ रिफॉर्मेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पर रहेगा। फिर नेक्स्ट 1642 द रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेटली अपोलॉजी पोस्ट समेकिन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। 1643 के भी डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 1644 जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूशर कंसर्निंग डिवोर्स, नहीं, ऑफ एजुकेशन एंड एरोपैगिटिका दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हमारे हैं। फिर नेक्स्ट 1645 टेट्रार्च चर्डन पोम्स ऑफ जॉन मिल्टन कोलेस्ट्रेन, दोनों इतनी इम्पोर्टेंट कि हमारे लिए नहीं है। 1649 की भी इम्पोर्टेंट फ़िलहाल नहीं है। 1650 नहीं, 1654 नहीं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं। पर हाँ, ये अगर आपको ज़्यादा जैसे नेट वगैरह या किसी का दे रहे हैं कुछ डिटेल में अगर, तो आप ये नोट कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए सही है, क्योंकि नेट वगैरह या जो कोई बड़ा एग्ज़ाम होता है इससे भी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का तो एक सही सा एग्ज़ाम है, ठीक सा है, न ज़्यादा टफ है न ज़्यादा हार्ड है। 1659 द लाइकलीस्ट मीन्स टू रिमूव, अब यहाँ 1667 पैराडाइज लॉस्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब पब्लिश हुआ 1667, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 1670 द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, 1671 पैराडाइज रिगेंड और पैराडाइज लॉस्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं और एग्जामिनर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि किसी को पता पैराडाइज लॉस्ट मोस्टली जानते हैं पर रिगेंड के बारे में बहुत कम ही बता पाते हैं, इसलिए दोनों के सन आपको याद रखने होंगे, क्योंकि सन ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके, कि 1667 पैराडाइज लॉस्ट पूछ लेगा, रिगेंड पूछ लेंगे वे आपसे, और वहाँ अगर जिसको सही से नहीं पता कि पैराडाइज रिगेंड अलग है लॉस्ट अलग है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऑफ्ट। फिर नेक्स्ट 1823 डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चेनिया जो है इम्पोर्टेंट वर्क इनका यहाँ पर हो जाता है। अब इस जो यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स है, बुक की बात सॉरी रह गई, भूल गई थी, तो उसमें ये बुक जो है ये सुपर टैट की बुक है जो सुपर टैट की आती है, जो मतलब जूनियर वाले देते हैं एग्ज़ाम अपर इंग्लिश का जिसका है, तो वहाँ से ये बुक से लिए गए हैं, सेलेक्टेड मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए, सेलेक्टेड है जो पीजीटी के लिए फ़िलहाल हमारे इम्पोर्टेंट हो रहा है वही चीज़ मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि सुपर टैट का अगर पूरा देखें तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे काम की हैं, तो जो काम की है जो ज़रूरी है वही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर ही सुपर टैट की कोई बुक है, पेपर इसका कवर वगैरह इसका फटा हुआ है, पुरानी बुक है कोई, तो
वहाँ से ही लिए गए हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत हीजिए, यहीं से नोट कर लीजिएगा, काफ़ी मौका मिल जाता है, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट। थैंक्स अ लॉट।